अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो ये देखें, वुहान यूनिवर्सिटी में आज स्नो फॉलिंग हुई है। आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ, ये देखें स्नो है यहाँ पे। तो आज काफ़ी दिनों बाद स्नो फॉलिंग हुई है वुहान यूनिवर्सिटी में। तो ये देखिए, अभी मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ, तो ये हाथ में मेरे कप भी है, मैं चाय भी साथ पी रहा था क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अभी ये अंदर मैं जाने लगा हूँ हॉस्टल में, और अंदर से भी आपको हॉस्टल दिखाता हूँ। ये देखें, सारे दरख्तों के ऊपर जो है बर्फ़ है काफ़ी। तो ये हमारा हॉस्टल है, और यहाँ पे ये देखें स्नो ही स्नो है। तो नेक्स्ट वीक पूरा जो है वो भी स्नो है। तो अभी मैं अंदर जाने लगा हूँ। तो ये एंट्रेंस है, ये हॉस्टल जो है ये पीएचडी स्टूडेंट्स का है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये कॉरिडोर है जिसमें से मैं गुजर के जा रहा हूँ। आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और मेरे हाथों को भी दर्द हो रही है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है, -1 डिग्री है आज। तो अभी मैं आप लोगों को अपना हॉस्टल भी दिखाता हूँ, वहाँ पे भी स्नो फॉलिंग जो बाहर बर्फ़ पड़ी है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये सेंटर में जगह बनी हुई है हॉस्टल के दरमियान, यहाँ पे लोग जो हैं वो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए स्टैंड वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे बैठते हैं सारे स्टूडेंट्स वगैरह। तो इंजॉयमेंट के लिए जगह बनी हुई है। तो यहाँ से मैं नीचे जाने लगा हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं नीचे पहुंच चुका हूँ। ये यहाँ पे हमारा जो हॉस्टल है वो अंडरग्राउंड है, यहाँ पे बेसमेंट में हमारा हॉस्टल बना हुआ है। तो ये सर्विस सेंटर, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह की मशीन वगैरह भी लगी हुई है, और ये सर्विस सेंटर, यहाँ पे हॉस्टल के जितने मामलात होते हैं वो यहाँ से मैनेज होते हैं। तो अभी ये मैं आ गया हूँ हॉस्टल में। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं बर्फ़ यहाँ पर पड़ी है। तो ये देखें, अभी इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई लेकिन फिर भी कुछ हुई है। ये यहाँ से भी एक एंट्रेंस है, एग्ज़िट ए है। तो अभी हम अंदर आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे हॉस्टल हैं। तो यहाँ पे भी ये थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अभी और भी नेक्स्ट वीक में स्नो फॉलिंग होनी है। तो ये चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से ये आप लोगों को ये दरख्तों पे ये रेड कलर के फ्लावर नज़र आ रहे होंगे। तो ये इस तरह सेलिब्रेट करते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर। तो ये देखें, ये जरदार भी मेरे साथ है, इसने हाथ में कप और ख्वाहिती भी पकड़ी हुई है। तो ये देखें चाय पी रहा जरदार भाई, आपके कैसे तासुरात हैं, सर्दी लग रही है आपको? ये देखें, ये नियंचिंग रहना है, ये यंग पर्सन है तो इसको सर्दी नहीं लग रही। तो ये देखे कितना एंजॉय कर रहा, नीचे देखे शूज भी नहीं पहने हुए, कैसा ये जवान बंदा, हिम्मत। इमरजेंसी का काम है सही। तो अभी मैं अंदर जाने लगा हूँ। ये देखे वो दरख्त गिर गया वहाँ से। तो यहाँ पे बार बार कोई ना कोई दरख्त गिर रहा है सर्दी की वजह से, क्योंकि बर्फ़ की वजह से दरख्त जो हैं वो पाइप भी इनका टूट गया। देखे इनके वाशरूम का पाइप टूट गया, तो अभी इनको वाशरूम, तो हमारे पानी भी बंद हुआ है, तो इस वजह से फिर यहाँ पे बहुत मसले मसाले हुए हैं। ये देखें, तो ये देखें इधर से भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये भी हमारा हॉस्टल है। तो फिलहाल ये हॉस्टल जो है बंद है, इसमें रेनोवेशन चल रही है और हम लोग जो हैं वो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, आप लोगों को रूम भी दिखाता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। ये देखें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं चाइनीज का स्टाइल। तो अभी अंदर भी चलता हूँ मैं आप लोगों को, अंदर से भी अंदर बाद में चलोगे, पहले मेरे कुछ फोटो शोटो दे लो। चलें ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।